हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रयागराज के सबसे सस्ते वाटर पार्क में, जो कि सिर्फ 300 रुपए का है। यानी अगर 2.5 फीट से कोई भी बड़ा है तो उसका सिर्फ 300 रुपए लगने वाला है। यहाँ पे आ सकते हैं, 20 रुपए की कार पार्किंग है, 10 रुपए की बाइक पार्किंग है। अंदर मस्त एंट्री करिए, कोई कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं लेना आपको। यानी सबसे अच्छा वाटर पार्क जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन कोई रोक टोक है ही नहीं। तो यहाँ अभी नहाने वाले हैं, आपको इन्जॉय करके दिखाने वाले हैं। कई सारी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो भी स्लाइड्स हैं यहाँ पर कोई भी ऐसी भयानक डरावनी स्लाइड नहीं है। झूले वगैरह भी हैं, एडवेंचर पार्क कह सकते हैं, उसे लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं यहाँ पे नहाने धोने के लिए। चलो दीपक भाई कूदेंगे, ये आया मज़ा। पानी बहुत कम है, बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा ये जगह। अब मेरा नंबर आ गया, मैं भी कूदूंगा। तो भाई ये है बच्चों वाला सेक्शन। ओ चलो चलो, वो पानी के अंदर झूला लगा हुआ है यार, पहली बार देखा है मैंने ये। अभी इसमें झूलेंगे पानी के बीच में। चलो चलो चलो, वो ये गए निकले, निकल गए बाहर। मस्त वाली राइड है ये तो। तो ये है झूला पानी के अंदर, पहली बार देखा किसी वाटर पार्क के अंदर पानी में झूला लगा हुआ है। वो वाली फास्ट है ये, देखो उल्टा चढ़ रहे हैं यहाँ पे, और देखना कैसे फिसल के आएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्टीप हो जाता है ऊपर, चढ़ाई एकदम तीखी हो जाती है। हट जाओ, आगे से हट जाओ। आया मजा, आ जाओ। बहुत भयंकर मजेदार है। तो भाई अब आ गए हैं सबसे बड़ी वाली राइड यहाँ की लेने के लिए, सबसे ऊंची वाली जो भी है। और काफ़ी फास्ट है, मगर यहाँ की राइड्स आप छोटा मत देखना, है बहुत दमदार राइड्स हैं। तो पहले कौन सी लूँ बताओ, ये रेड वाली थोड़ी स्लो है, गोल गोल घूम के जाती है, लूप वाली है। ये वाली एकदम स्ट्रेट है भैया, एकदम सीधा नीचे पानी के अंदर, खतरनाक। जो भी बच्चा गिरा था वो यही वाली थी। तो भाई अभी हम ये मतलब राउंड राउंड वाली जो रेड वाली है अपनी, थोड़ी सी मतलब कम मुश्किल वाली है, इसे लेते हैं पहले। वो भाई स्पीड बनेगी अगर खाली टी शर्ट पे, बिना टी शर्ट के आए तब बहुत अच्छी स्पीड बनेगी। स्पीड ना थोड़ी रोक लेती है अपनी टी शर्ट, मगर ये वाली तब भी नहीं रोक पाएगी भाई, बिल्कुल सीधी है। तो अभी इस पे आने वाले हैं। अरे भाई खतरनाक वाली राइड पे उल्टा चढ़ के चले आए। जाओ। वो भाई बहुत बुरा यार, बहुत बुरा। तो भाई यहाँ की इस वाली स्लाइड में मुझे डर लग रहा है, पता है बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड ले चुका हूँ, मगर फिर भी डर लग रहा है यार। आगे खुली नहीं भाई, इतना भयंकर था ये वाला, एकदम खतरनाक। एक बार और लेंगे, फ्रंट व्यू दिखाएंगे अब आपको। ये भाई बड़ी वाली स्लाइड और सीधा आएंगे भैया। ओ भाई भयंकर रॉकेट, एकदम खतरनाक यार। अभी और भी फैमिली राइड बची है, फैमिली राइड लेने चलना है, इसके बाद फैमिली राइड है, एक साथ कई सारे लोग ले सकते हैं। थोड़ी देर में लेते हैं, तब तक आपको और भी चीजें दिखाता हूँ यहाँ की। ये वाली स्लाइड आ जाओ। तो भाई आप आ गए हैं रेन डांस वाले सेक्शन में, यहाँ करते हैं डांस। Oh,
तो भाई सबसे अच्छा पार्ट तो यहाँ का मुझे लेजी पूल लग रहा है, एकदम शांत है, मस्त और पानी एकदम साफ है भाई, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ऊपर डीजे का फ्लोर भी बना हुआ है, मगर अभी डीजे उधर दूसरे वाले सेक्शन में लगा हुआ है, तो अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे चाचा जी यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये मस्त सफाई चले, जो पत्तियाँ गिरती हैं वो पत्तियाँ हटा देते हैं ना चाचा। तो भाई बच्चे वाले सेक्शन में गुफा भी है, चलो गुफा में। ये घुसे गुफा में, ये है स्लाइड, स्लाइड के नीचे गुफा बनी हुई है, गुप्त गुफा। ये है गुब्बारा, तो भाई ये है फैमिली वाली स्लाइड, अब चल रहे हैं फैमिली स्लाइड लेने के लिए। तो भाई चले चले चले, तो भाई ये वाली राइड लेने के लिए चले। चले भाई, ये लगी दे भाई साहब, मजा आ गया। छोटे स्लाइड की बड़ी खास बात होती है कि चढ़ना कम पड़ता है, थकान कम लगती है, बड़ी स्लाइड में बहुत चढ़ना पड़ता है। खतरा, चलो चलो चलो, ओ ओ ओ ओ, तीनों लोग बच गए भाई। कैमरा पूरी हुआ? हाँ कैमरा इस बार हुआ, नहीं 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 बचा लिए। भयंकर राइड भाई, इसकी भी स्पीड काफी अच्छी हो जाती है, बस थोड़ा पानी रोक के फिर छोड़ो एक साथ। और ये येलो वाला तो भाई सबसे फास्ट है यहाँ का, बाकी ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, रेन डांस वाला एरिया, रेन डांस वाला एरिया हो रहा है, मगर ये भी काफ़ी रेनी रेनी जैसा है। और सबसे अच्छा यहाँ किड सेक्शन है बच्चों वाला, कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और पानी के बीच में झूला झूलना सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है, और नीचे देखो टनल भी है उसके। तो भाई ऐसा है यहाँ का कुछ नंदन कानन वाटर पार्क प्रयागराज में, और ये सांसों के पास में है, प्रॉपर एड्रेस मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, लोकेशन वगैरह आपको मिल जाएगी भाई, वो बहुत ही मज़ेदार, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं 300 रुपये में। साहब भयंकर भयंकर, आओ तो भाई अब आ गए हैं स्नैक्स वाले सेक्शन में, यहाँ दो मैगी बना देना भैया, दो मैगी कितने की, 40 रुपये की एक मैगी है ना, हाँ दो बना दो। और लॉकर वगैरह कहाँ है भैया? अच्छा वहाँ पे, इधर ही है। ओ अपना ये छोटा लॉकर है, देख रहे हो, तो यहाँ काफ़ी लोगों का है, काम चल जाएगा, काफ़ी सारे लॉकर हैं। बाकी भाई खाने पीने के यहाँ पे चिप्स वगैरह दिख रही है, बाकी काफ़ी आइटम है सामने, वो लगा हुआ है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो भाई यहाँ पे वाटर कूलर लगा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा आपको पीने के लिए। देखो भाई ये है लेजी रिवर, और यहाँ पे पानी बहुत साफ है भाई, मैं तारीफ़ कर ही रहा था, ये पत्तियाँ हैं थोड़ी बहुत, बाकी पानी बिल्कुल साफ़ है। अभी अंडर वाटर जाके दिखाते हैं आपको कितना साफ़ पानी है। तो भाई यहाँ पे बना हुआ है चेंजिंग रूम, ये है जेंट्स चेंजिंग रूम, और इस तरफ है लेडीज़ चेंजिंग रूम,
ये चीज़ अच्छी है, चेंजिंग रूम वगैरह है यहाँ पे। तो दोस्तों नंदन कानन में आज हमने खूब इंजॉय किया है, वाटर पार्क बहुत ही बढ़िया था, छोटा सा जरूर था मगर जो स्लाइड्स थी वो बहुत ही एकदम थ्रिलिंग थी, एडवेंचरस, मतलब कुछ ऐसी स्लाइड थी जहाँ पे मज़ा आया फुल, बहुत अच्छी स्पीड हो जाती है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही मस्त है। फिलहाल बड़ों ने भी, मतलब कई सारे जो बड़े भी आए थे उन्होंने भी खूब इंजॉय किया, तो आप लोग भी आ सकते हैं 300 रुपये में, कोई भी आए, बच्चा छोटा बड़ा जो भी हैं सबको लेके आओ। और मैं तो कहता हूँ कुछ बुजुर्ग को लेके आओ, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को ऑफर मौका ये नहीं मिल पाता कि वो लोग भी ऐसी जगह पूल वगैरह इंजॉय कर सकें। तो अच्छा लगा ओवरऑल, बहुत ही बढ़िया लगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, ये मेरे घर के पास था, मेरे गांव के पास था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को नंदन कानन दिखाया जाए, छोटा सा था, बट फिर मिलते हैं आपसे किसी बड़े वाटर पार्क के साथ, बाय बाय। तो भाई यहाँ पे एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें देखो सामने वो बच्चा झूल भी रहे और बाकी यहाँ पे आपको दिखेगा बच्चों के लिए ही है, छोटा सा है ये पार्क वगैरह में दिख जाता है। तो देखो भाई देखो आम, ये देखो ये है गांव, यहाँ आपको हर जगह आम दिख जाएंगे पेड़ों पे, और इतने बड़े बड़े अभी हो चुके हैं, पास से दिखाऊं कोई सा आम, ये देखो भाई ये लगा हुआ है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा बड़ा।